दोस्तों, घर में एक अच्छी आयरन कढ़ाई का होना बड़ा ही जरूरी है, और आज के वक्त में एक अच्छी लोहे की कढ़ाई, आयरन कढ़ाई का मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पुराने वक्त में हाथ से बनती थी आयरन की कढ़ाइयाँ और मिलती थी बहुत आसानी से, लेकिन अब एक अच्छी कढ़ाई को ढूंढने के लिए आज आपकी मैं मदद करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसका एक नॉन स्पॉन्सर्ड और ऑनेस्ट रिव्यू। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आज के वक्त में हमारे घर में एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, स्टील सब तरह के बर्तन रहते हैं, और ऐसे में आपकी किचन अधूरी रह जाती है अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की आयरन कढ़ाई नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ इसी आयरन कढ़ाई का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि घर में होनी बहुत जरूरी है। आयरन के अपने बेनिफिट्स रहते हैं और बहुत सारे काम जो केवल आप आयरन की कढ़ाई में ही कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आयरन कढ़ाई खरीदने का मेरे कई सारे रीजंस थे। एक तो सबसे पहले मुझे एक ऐसे बर्तन की तलाश थी जिसमें मेरे डाइटरी आयरन की कमी पूरी हो जाए। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार किसी भी आयरन के बर्तन में खाना पकाते हैं, तो आपके शरीर में जो लौह तत्व की कमी होती है, जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, वो दूर हो जाती है। तो आयरन की कढ़ाई में खाना पकाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो कढ़ाई आप मेरे हाथ अभी इस समय आप देख रहे हैं, ये इसका साइज है 15 इंच, यानी कि ये 4 लीटर की कैपेसिटी की कढ़ाई है। बहुत ही अच्छी खासी कैपेसिटी की मैंने ये कढ़ाई ऑर्डर की है, क्योंकि मेरी फैमिली में अगर मुझे मान लीजिए गेस्ट आ जाते हैं, घर में कोई फंक्शन रहता है, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, तो ऐसे केस में ये कढ़ाई बहुत ही काम की है। अब इस कढ़ाई के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो ये कम्प्लीटली हैंडमेड, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है दोस्तों, लोहे को पीट पीट के हाथ से जब बनाया जाता है, ये वही उसी तरीके से इस कढ़ाई को बनाया जाता है इस ब्रांड में। तो इस ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हैंडमेड आपको ये कढ़ाइयाँ मिलती हैं। ट्रेडिशनल टच में जो कढ़ाइयाँ बनती थी हमारे पुराने ज़माने में, वैसे ही आज भी कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं। इसमें किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। हैंडमेड इसकी सीजनिंग है, यानी कि इसको हाथ से सीजन किया गया है। आप यह देख सकते हैं, मेरे हाथ पे भी लग रहा है। तो इसको हाथ से सीजनिंग की गई है, तो इसकी सीजनिंग बहुत प्रॉपर है। दूसरी बात यह है कि आयरन की इस कढ़ाई में आप जितनी भी ग्रेवी वाली रेसिपीज आराम से बना सकते हैं। डीप फ्राई करना है आपको, वो कर सकते हैं। आपको खुले में अगर पूड़ियाँ तलनी हैं, आपको कचौड़ियाँ बनानी है, सारे के सारे काम इसमें आप आराम से कर सकते हैं। ग्रेवीज वाली सब्जी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, फेस्टिवल्स के दिनों में जितनी भी आपको मिठाइयाँ बनानी है, वो आपको डेफिनेटली हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने हलवाई लोगों को देखा है ना दोस्तों, वो जितना भी दूध को काढ़ने का काम करते हैं ना, वो हमेशा लोहे की कढ़ाई में करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए लोहे की कढ़ाई सबसे ज़्यादा उत्तम होती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। और ये जो कढ़ाई है, इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसकी जो गेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अब ये जो 15 इंच की, ये जो 4 लीटर की कढ़ाई है, इसका वेट लगभग 4 किलो के करीब है, 3.8 kg है। तो बहुत ही भारी भरकम कढ़ाई है, ये कोई सस्ती और हल्की चादर वाली कढ़ाई नहीं है। दोस्तों, मैंने मार्केट में और ऑनलाइन भी बहुत सारी आयरन कढ़ाइयों को सर्च किया, और मैं कुछ मंगवा कर भी देखी, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ही हल्की थी और एकदम से उसमें खाना जल जाता है, क्योंकि उनकी जो है, उनका जो गेज रहता है, वो उनकी जो थिकनेस रहती है, ये जो थिकनेस है वो बहुत हल्की होती है, और उस थिकनेस की वजह से आपका खाना उसमें जल जाता है। बहुत जल्दी आपकी कढ़ाइयाँ आग की तरह गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस ब्रांड में जो आपको मैंने बताया है, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी गेज है, बहुत ही ज़्यादा हैवी गेज है, और काफ़ी लंबे समय तक ये आपकी हीट को रिटेन करती हैं। एक बार जब ये गर्म हो जाती है, तो लंबे समय तक इसमें हीट रिटेन रहती है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल भी बचता है और आपका खाना लंबे समय तक वार्म रहता है, जल्दी बनता है। तो ये एडवांटेज है इस आयरन कढ़ाई का। जितने भी दूध, मावा, खोया, जितनी मिठाइयाँ बनती हैं हलवाई लोग, वो इस तरह की लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। और ये तो इतनी हैवी गेज है कि इसको आप हाई, जो बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, उस पर भी रख सकते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर आप इसकी हैंडल को देखें तो बहुत ही मजबूत है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी थिकनेस है इसके हैंडल की, बहुत ही मजबूत है। जैसे पुराने ज़माने में आप देखें ना, जो पुराने ज़माने के बर्तन हुआ करते थे, बहुत हैवी हुआ करते थे, ये वैसे ही है। इतने मोटे और हैवी थिकनेस वाले आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाते हैं, और बड़े कन्वीनियंट हैं। देखिए, काफ़ी चौड़े हैं। मेरा पूरा का पूरा, ये 5 फिंगर्स का पूरा हैंड इसमें जा रहा है। तो अगर आप इसको कपड़े से भी पकड़ते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी ग्रिप में आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे आप देखें कि बहुत अच्छे से इसको अटैच किया गया है। ये ऐसा नहीं कि आपके हैंडल ये 2-3 दिन में उतर जाएंगे, टूट जाएंगे, बहुत मजबूती से जुड़े गए हैं। एकदम ऐसे यूजेस के लिए बनाए गए हैं जिसको आप रफ एंड टफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयरन कढ़ाई के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई आयरन की कढ़ाई खरीदते हैं, तो उसमें आपको इस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मेरे हाथ थोड़े से गंदे हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसको हैंडमेड, इसको हाथों से इसको ऑयल लगा कर इसकी प्री सीजनिंग की गई है। और अगर आपको शुरुआत में लगता है कि आपकी कढ़ाई में थोड़ा सा रस्ट जैसा कुछ उतर रहा है, जंग जैसा आपको लग रहा है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आयरन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे आप इसको धो के, माइल्ड वॉश करके, इसमें ऑयलिंग करेंगे और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे,
तो आपकी कढ़ाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। नेचुरली ये नॉनस्टिक जैसा बिहेव करती है, जितना आप इसको इस्तेमाल करते चले जाएंगे ये और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, और इवेंचुअली ये कढ़ाइयाँ आपको बाद में बहुत कम तेल में खाना बनाने में मदद करेंगी, क्योंकि ये नेचुरली नॉनस्टिक जैसा बिहेव करती हैं। धीरे धीरे ये नेचुरली नॉनस्टिक जैसी बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें कम तेल में खाना बनाने में भी मदद मिलती है। अब मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू लेकर आऊँगा, जहाँ पर इसकी यूजेज और कैसा रहा 5 से 6 महीने का इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, इस जैसी अनबॉक्सिंग और नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।